I got so much motherfucking on right now. होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारी रिसर्च करने के बाद ना फाइनली यहाँ पे अब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, यहाँ पे मैंने जो है वो एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो सेट कर दिया है। अब अगर आपको नहीं पता कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ तो अपने चैनल पे कल एक वीडियो अपलोड हुई है, अगर वो आपने जाके देखी नहीं तो यार वो वाली वीडियो सबसे पहले तो जाके देखो एंड उसके बाद ये वाली वीडियो देखना, जिससे कि यार आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। सब बात कर रहे हैं अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड की, तो देखो यहाँ पे अभी तक जो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है वो बहुत सारे बने, जैसे कि समझ लो कि स्क्वाड में यहाँ पे हाइस्ट किल हो गए, कॉन्करर लीग पे हाइस्ट किल हो गए, स्क्वाड के सोलो भी स्क्वाड हाइस्ट किल हो गए, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो है ना कॉन्करर लीग पे डुओ भी स्क्वाड का हाइस्ट किल रिकॉर्ड शायद से ही किसी ने बनाया। अभी तक मेरी नज़र में जितने भी रिकॉर्ड्स आए ना उनमें से यार कहीं पे भी कोई भी डुओ भी स्क्वाड कॉन्करर लीग वाला रिकॉर्ड नहीं था। अगर आपके ध्यान में ऐसा कोई रिकॉर्ड है तो यार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, क्योंकि अभी तक मेरे को तो देखो काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मिला नहीं है। सो अब यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि नहीं, मैंने यहाँ पे एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर दिया है, डुओ विद स्क्वाड कॉन्करर लीग हाईएस्ट किल रिकॉर्ड। तो एक और बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि ये कोई यहाँ पे भाई प्लैटिनम डायमंड या क्राउन वाले रिकॉर्ड्स की बात नहीं है, कॉन्करर लीग पे डुओ विद स्क्वाड रिकॉर्ड की बात हो रही है। सो कोई भी यार यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो कल वाली वीडियो देखना, आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाएंगे। भाई इधर ये रिकॉर्ड के ऊपर आप लोग के क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। एंड अब आज के वाली गेम की बात करें तो एज यूजुअल डेली की तरह ये वाला गेम प्ले भी जो है वो एकदम ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि यार ये वाला मैच जो है ना वो हम लोग थोड़ा सा फन में खेल रहे थे, लेकिन फन में खेलने के बावजूद भी ये वाले मैच में कितने किल्स होंगे एक बार गैस करो, एंड गैस करके यार कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। जा रहा है सामने, सामने चल गया
बाकी तब स्कूल के अंदर बंदों को मारने के बाद ना यहाँ से हम लोग निकल ही रहे थे कि पास ही के कंपाउंड्स पे यार यहाँ पे दो स्क्वाड की फाइट होना चालू हो जाती है और हम लोग यार सीधा पुश करने आते। एक स्क्वाड तो इजीली वाइप आउट कर जाता लेकिन जो दूसरी स्क्वाड थी वो नीचे की साइड थी तो इनके ऊपर भी धीरे धीरे पुश करते हैं। ये वाला 1v3 क्लच कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। और ये वाले मैच में अपना लग भी थोड़ा सा सही था कि यार जैसे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे बीच रास्ते में कोई ना कोई स्क्वाड मिली जा रही थी। अब यहाँ पे अपने को एक स्क्वाड तो नहीं मिलती लेकिन दो कैंपर्स जरूर से मिल जाते हैं एंड एक नेट के अंदर छोड़ लोग को भाई दोनों को भरा है ना। इसी चीज पे वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है भाई। तो वहां से सीधा हम लोग पोचिंग की तरफ आ जाते हैं एंड बनाउसिस की साइड यहाँ पे जो है वो दो स्क्वाड आपस में फाइट कर रही थी लेकिन जब तक वहां पे पहुंचते उससे पहले यार यहाँ पे गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाते तो अब यहाँ से आगे की रोटेशन जो थी वो अपने को पैदल लेनी थी। और अब ओपनली जैसे तैसे यार ये दोनों स्क्वाड के बीच में अपन हाथ हो जाते हैं लेकिन इनको वाइप आउट करने के बाद पता चलता है कि ऊपर साइड एक और तीसरी स्क्वाड आ चुकी जो कि यार यहाँ पे मौके का फायदा उठाना चाहती थी लेकिन यार सही टाइम पे थर्ड पार्टी नहीं कर पाए लोग। ऊपर ऊपर नेट कर रहा हूँ रोजा लेके पुश करते हैं भाई बग्गी लेके निकल रहा हूँ यार। यहाँ पे जब आप गलत टाइम पे गलत बंदों के ऊपर पुश करने आ जाते हो। अब दो बंदों को तो यहाँ पे मैंने भाई भर दिया था लेकिन तीसरा बंदा जो था वो एक साइड भाग चुका था लेकिन ये वाले बंदे को भी ऐसे मारने में ज्यादा दिक्कत होती है नहीं। एंड अब यहाँ पे लास्ट में एक और बंदा बचा था जो कि और काफी देर इधर से उधर घूमने के बाद फाइनली यहाँ पे ओपन में लेटा हुआ स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ कि यार इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दूँ लेकिन टीममेट जो था वो उसको गन से निपटा देता है। सो ये वाले मैच बाय स्किल के साथ एंड होता है और डिसेंट सा प्लस मिल जाता है। बढ़ते हैं आज के सेकंड गेम प्ले की तरफ। ओ बाहर बालकनी में ऊपर इधर 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 मार्क द लोकेशन सुबह ये वाले मैच में भी यार कुछ ऐसा सीन रहता कि पोचिंग के में उतरे थे और अच्छे खासे बंदे आए थे ना यहाँ पे पोचिंग के अंदर तो लग रहा था कि चलो यहाँ पे अच्छे खासे किल्स के साथ अपन पोचिंग से बाहर भी निकलेंगे। अब यहाँ पे देखो जब भी ऐसे सिटीज का धुन रहता है ना चाहे फिर पोचिंग की हो या स्नाय हो ना तो ट्राई करो कि एजिस पे उतरो एजिस उतरो एजिस क्लियर करते करते सेंटर में जाओ। सीधा अगर सेंटर उतरोगे ना तो बहुत गंदी तरीके से यार यहाँ पे सैंडविच होता है। अलग अलग जगह से बंदे आएंगे एंड पता नहीं यार यहाँ पे तुम बच भी पाओगे कि नहीं बच पाओगे। जिस लेवल का तुझे यहाँ पे कवर नहीं है पसंद ये रहा वाच आउट फेल दो फेल इधर ही है मेरे ऊपर ही फेल लेट वाच आउट जल्दी आ इसको मार फिर कोई इनको बचाने इधर आ इस घर पे ला वाच आउट जा Thank you.
दोनों वन वन है। और अब सेंटर की एरियाज क्लियर करने के बाद ये साइड के एजेस पे ना लास्ट की एक दो स्क्वाड बची थी, जिसमें से यार एक स्क्वाड तो पीछे से भरी दिया था, लेकिन उसी टाइम ये वाली स्क्वाड थर्ड पार्टी करने आ जाती है एंड यहाँ पे मेरे टोटल तीन टीममेट्स जो थे वो नॉक हो जाते और अब दो फिनिश भी हो जाते। लास्ट में हम डुओ ही बचे थे और जो दो टीममेट्स यहाँ पे खत्म हुए थे उनका रिकॉल जो था वो भी इधर खत्म हो चुका था। तो अब यहाँ पे एक तरीके से डुओ वी स्क्वाड की सिचुएशन अगेन हो चुकी थी अपने साथ। और पूछी की क्लियर करने के बाद यहाँ पे अपने अच्छे खासे किल्स हो चुके थे, तो मेरे को लगा कि यार ये वाले मैच में शायद से अपने अपना जो 30 किल चैलेंज है वो वापस से कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बोला चलो गाड़ी निकालो, जब तक यहाँ पे जो है वो 30 किल नहीं होगा तब तक अब यहाँ पे अपने को रुकना नहीं है। एक लेफ्ट, वॉच आउट, इधर इससे लेफ्ट वाले घर की साउंड आएगा। वॉच आउट, खत्म, कुछ भी नहीं, मार मार मार, दूसरा भी आ रहा है, इजी क्या होता है, इजी बाकी। तो पीछे वाले बंदों को मारने के बाद यहाँ पे जो है वो हम लोग गाटका में आ जाते हैं और गाटका में भी यार यहाँ पे पूरी की पूरी स्क्वाड थी, दो बंदों को नॉक एंड फिनिश डालता हूँ लेकिन तीसरा बंदा इधर मेरे को फाइन नॉक कर देता है। एंड अब यहाँ पे भाई मैं अब यहाँ पे जस्ट रिवाइव हो ही रहा था कि एक और टीम का पुश आ जाते हैं आराम से, जो छोटा कैसे Boom, और अभी यहाँ पे पहले तो लग रहा था कि पूरी की पूरी स्क्वाड जो है वो इधर पुश करने आ रखी है, लेकिन पूरी स्क्वाड नहीं थी, सिर्फ दो ही बंदे थे, तो दोनों को यहाँ पे ग्रेनेड से ही भर दिया जाता है। और अब जितने किल से और जितने बंदे अलाइव थे उस हिसाब से तो लग रहा था कि यार ये वाले मैच में 30 किल चैलेंज इजीली हो जाएगा। अबे कब तक लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ ना, लिटरली मेरे को इस चीज का कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ पे दोनों की गाड़ी ठुकी, अब गाड़ी किसने फोड़ी यही समझ में नहीं है, सामने वाले बंदों ने खुद गाड़ी फोड़ के यहाँ पे अपनी कबर खोद ली या फिर क्या था, कुछ भी आइडिया नहीं। लेकिन अभी के लिए यार यहाँ पे एक बंदी को नॉक करने के बाद मैं नॉक हो जाता हूँ, लास्ट में एक बंदा बचा था जो कि टीममेट यहाँ पे भर देता है और 20 किल हो चुके थे, 10 ही बंदे अलाइव थे। तो अब इतना तो था कि यार अगर 30 किल करने हैं तो बचे हुए सारे बंदों को मारना पड़ेगा। लेकिन अपनी इधर किस्मत इतनी खराब थी ना कि अपने बग्गी का जो फ्यूल है वो भी चार बंदों के बीच जाके भाई ख़त्म होता है, मतलब बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि बस बचे बंदों को मारना था और अगेन अपने 30 किल्स हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं यार, बस ये था चल गेम प्ले। अगर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब तो मार देना एंड वीडियो को ज़्यादा से अपने दोस्तों शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस।